गुड आफ्टरनून गाइस थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन टेक अप सम टाइम एंड बी हियर एंड फिर दोबारा से पढ़ना एंड ऑल ऑफ दैट बट थैंक यू वेरी मच फॉर रियली ज्वाइनिंग अस तो चले आगे आज क्या कवर करना है सबसे पहले ये देखते हैं देन विल जंप ऑन टू आवर टॉपिक्स अब हमें शुरू करना है एसबीएल का टेक्निकल आर्टिकल ऑन इंटरनेट ऑफ थिंग्स लेकिन उससे पहले मुझे एक स्टॉप लेना है एक ब्रेक लेना है जिसमें मुझे आपसे ये पूछना है कि पर्पस क्या है टेक्निकल आर्टिकल का जो टेक्निकल uh, आर्टिकल के मेरे सेशंस पहले से देख चुके हैं या जिन्होंने सेशंस मेरे अटेंड किए हैं दे ऑलरेडी नो दिस बट सिंस वी हैव टू मेनी न्यू स्टूडेंट्स टुडे, आई जस्ट वांटेड टू टेक ए स्टेप बैक एंड एक्सप्लेन एज टू वॉट दीज वॉट वॉट आर दीज पर्पज ऑफ टेक्निकल आर्टिकल्स टेक्निकल आर्टिकल बच्चे एग्जामिनर आपको एक स्पेसिफिक एरिया एड कर देता है आपसे बहुत मार्केट की न्यू न्यूनसेज और न्यू टेक्निकलिटीज पे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं जैसे कि कोई भी नई चीज आ रही है एग्जाम्पल लेते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स एग्जाम्पल लेते हैं ब्लॉक चेन एग्जाम्पल लेते हैं क्रिप्टो करेंसी ऐसी कोई भी चीज मार्केट में नहीं आ रही है वो हो सकता है डायरेक्टली आपके सिलेबस एरिया में ना हो बट एग्जामिनर उसको एक टेक्निकल आर्टिकल के जरिए आपके कोर्स में एड कर देता है तो वो टेक्निकल एरिया स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि ऐसा क्या एरिया है है जो एग्जामिनर ने ऐड किया दैट विल बी टेस्टेड इन द एग्जाम और क्योंकि वो नया एरिया होता है तो एग्जामिनर उस क्वेश्चन पूछने से भी पीछे नहीं हटता है उसको जरूर पूछता है तो बच्चों के लिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसा कोई भी नया एरिया है तो उसे वो अच्छे से कवर कर ले इसीलिए अगर आपने देखा हो मेरे YouTube चैनल पे आपको क्रिप्टो करेंसी से लेकर ब्लॉकचेन से लेकर स्ट्रेटेजी से लेकर और अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लेकर आपको सारे टेक्निकल आर्टिकल जो नए एरिया है वो सारे के सारे स्पेसिफिकली मिलेंगे और इन सारे एरिया से स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन उठते हैं वो हम लोगों ने अपने क्वेश्चन मैराथन में भी कवर किए हैं ताकि अगर इस तरह का को कोई क्वेश्चन उठे तो हमें पता हो कि हमें इसे आंसर कैसे करना है बात समझ में आती है बिल्कुल आती है ये टेक्निकल एरिया प्रॉबेबली हमें हेल्प करते हैं इन टर्म्स ऑफ गेटिंग दू नो इन दस इन टू तो समफिक फोकस एरिया जो एग्जामिनर चाहता है अब एग्जामिनर ने हमें लास्ट कुछ एग्जाम में देखा कि बच्चों ने मान लेते हैं स्ट्रैटेजिक में कुछ अच्छा नहीं किया या बच्चों ने मान लेते हैं लीडरशिप के के बारे में कुछ अच्छा नहीं किया तो एग्जामिनर विल कम अप स्पेसिफिकली टॉकिंग ऑन दैट लीडरशिप ट्रेड्स एंड टॉकिंग ऑन दैट स्ट्रेटेजिक वो स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे और स्पेसिफिक डिस्कशन करके आपको एक टेक्निकल आर्टिकल देंगे और वो टेक्निकल आर्टिकल आपके एग्जाम में किसी ना किसी शेप एंड फॉर्मेट में फिर टेस्ट हो जाएगा तो वो चीज भी हमें ध्यान रखनी है इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हाई एग्जामिनर

हमें तो बच्चे टेक्निकल आर्टिकल्स भी कर रहे हैं बट सर कौन इसी से वेबसाइट पर जाएगा सर और कैसे सर्च करेगा फिर डंप लो फिर उसे पढ़ना शुरू करो फिर इतना बोरिंग होता है इतनी थ्योरी होती है कुछ नहीं करना है आपने आपने फटाफट आना है एक वीडियो चलाना है और 10 से 15 मिनट में उस टेक्निकल आर्टिकल को अपनी जेब में लेके चले जाना है और हम इतने डिटेल में उसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे कि आप उसको कच्चा चबा जाओगे एग्जैक्टली वो इतना आसान हो जाता है आपके लिए समझना बिकॉज एनी थिंग एज बिन सेंग एनी दैट कम्स इन द दीडियो फॉमेट इज ईजी टू चीव इजी टू अंडरस्टैंड इट इज ओवन इट इज इवन प्रोवन साइंटिफिकली ऑल्सो तभी तो हम मूवी के गाने गा लेते हैं और हम uh, थ्योरी नहीं बोल पाते हैं उतना स्ट्रांगली जबकि हम थ्योरी को दस बार पढ़ते हैं और हम गाने सिर्फ दो बार सुनते हैं दैट इज द रीजन वी हैव इन इन दैट वी हैव ऑल ऑफ दिस टेक्निकल आर्टिकल्स इन दीडियो फॉर्मैट जहां पे आपको विजुअल दिया जाए इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हाट दिस टेक्निकल आर्टिकल इज ऑल अबाउट उसके बारे में बात करी जाए उसके बारे में थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिए जाए ताकि वो आपके अंदर समा जाए बात समझ में आती है बच्चे बिल्कुल आती है आगे देखें चलो अब हम आते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का एक टेक्निकल आर्टिकल आपको एसी की वेबसाइट पे यू नो ऑलमोस्ट परिक्स सेवन टू एट पेजेस का है और यू नो कंप्लीटली आपको वहां मिल जाएगा आप इसी वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको मिल भी जाएगा मैं आपको वीडियो के लिंक में नीचे आ, लिंक भी दे दूंगा वहां आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली वहाँ पहुँच भी जाएंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का टेक्निकल आर्टिकल आपके लिए बहुत आई वुड से लास्ट तीन से चार क्वार्टर से इंपॉर्टेंट चल रहा है बिकॉज नया एरिया एग्जामिनर चाहता है आपसे पूछना एग्जामिनर चाहता है कि आपको पता हो कि ऐसा नया एरिया है जो जो मॉडर्न सोसाइटी में या या टेक्नोलॉजी में या इंडस्ट्री में प्रेवलेंट हो रहा है तो शायद एज ए स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर आपको पता होना चाहिए बट आपको पता होने के लिए उन्होंने क्या किया उन्होंने एक टेक्निकल आर्टिकल दिया वो टेक्निकल आर्टिकल अगर आपने नहीं पढ़ा तो एग्जाम में आपने स्ट्रगल किया आज हम क्या करते हैं हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स को एक बेसिक तरीके से समझते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स सर होता क्या है सर इंटरनेट तो सुना था थिंग भी सुनी थी ये इंटरनेट ऑफ थिंग क्या होता है बच्चे एक एग्जाम्पल लेते हैं मैंने भी थोड़े दिन पहले एक ऐड देखा एडवर्टीजमेंट था लॉयड एयर कंडीशनिंग का लॉयड एयर कंडीशनिंग में मिस्टर अमिताभ बच्चन आते हैं या कोई भी और एक्टर होगा वो आता है इफ़ आई एम फॉरगेटिंग द नेम एक्टर आते हैं और वो घर से कहते हैं कि यू नो वॉट मैं तो घर पर ए सी ऑन छोड़ाया अब मैं घर से ए सी ऑन छोड़ाया मैं एक पार्टी में हूँ अब मैं क्या करूँ तो उन्हें उनकी वाइफ बोलते हैं यू नो वॉट आप ए सी को यहीं से ऑफ कर सकते हो वो कैसे उन्होंने कहा देखो ये आपका जो ए सी है ना ये ए सी का ये ऐप है इस ऐप पे अगर आप जाते हो और इसे क्लिक करते हो तो ए सी स्विच ऑफ हो जाता है मिस्टर अमिताभ बच्चन या जो भी वो एक्टर थे वो बहुत खुश अरे बाबा अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई उन्होंने वो ऐप डाउनलोड करी उसे वहां से स्विच ऑफ किया ए सीच स्विच ऑफ हो गया ये है क्या बच्चे ये चीज़ थी क्या सर ये तो नॉर्मल ऐप है एक नॉर्मल ऐप है एक नॉर्मल ऐप जैसे हम बहुत सारी ऐप्स देखते हैं ये एक नॉर्मल ऐप है उसने स्विच ऑफ़ किया वहां पर वो ए स्विच ऑफ हो गया काम ख़त्म हो गया बिल्कुल ये नॉर्मल चीज़ है बट ये है क्या बच्चे ये टेक्नोलॉजी क्या है आपको नहीं लगा कुछ डिफरेंट है आप घर इतनी घर से इतनी दूर और आपने स्विच ऑन किया है स्विच ऑफ किया और आप यू you नो know, काम करने लग गए या आपकी चीज़ काम करना बंद हो गई ये क्या चीज़ है एक और एग्जाम्पल लेते हैं मेरे पास मेरी टीम में एक लेडी है वो लेडी का जो किड uh, है you know, वो प्ले uh, स्कूल में जाता है और वो प्ले स्कूल वालों ने अपने क्लासरूम uh, के अंदर एक कैमराज लगाए हुए हैं ताकि बच्चों पर नजर रहे कि यू नो व्हाट बच्चे कैसा कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं यू you नो know, वो नजर रहे बहुत अच्छी बात है सर ये तो स्कूल के लिए तरफ से बहुत अच्छा स्टेप है मैं भी कहूँगा बहुत अच्छा स्टेप है अब वो लेडी क्या करती हैं वो लेडी हमारे पास जब ऑफिस में होती हैं तो वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद अपना मोबाइल देखती हैं तो एक दिन मैंने उनसे पूछा मैंने कहा मैडम क्या बात आप बार बार मोबाइल देखते रहते हो ये क्या है उन्होंने कहा सर मेरा जो बेटा है ना वो भी दो साल का है और वो प्ले स्कूल जाता है तो मैं हर थोड़ी देर बाद ना उसको व्यू करती हूँ कि वो ठीक है या नहीं मैंने कहा वो कैसे व्यू कर सकते हैं आप यहाँ बैठ के उन्होंने कहा सर उन्होंने ना जो वहाँ कैमरा लगाया हुआ है ना उस कैमरे का जो डंप है ना वो वो इंटरनेट पे फेंकते हैं और इंटरनेट का डंप जो है मैं यहां से पिक कर लेती हूँ मेरे पास एक ऐसा ऐप है जिस ऐप के जरिए मैं देख पाती हूं कि वो बच्चा मेरा वहां ठीक है या नहीं मैंने कहा वाह ये तो बहुत अच्छी चीज है अब हम जैसे बुजुर्गों के लिए तो बहुत अच्छी चीज है बिकॉज यू नो वॉट दिस इज दिस समथिंग दैट वी डिंट लर्न राइट वैन वी यू ग्रोइंग दैट पॉइंट इन टाइम ये तो बहुत नई चीज है बट ये है क्या हेल्पफुल तो है बट ये है क्या दिस इज नथिंग बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स जब आपने चीजों को इंटरनेट से कोरिलेट कर दिया और इंटरनेट के कोरिलेशन के जरिए आप उसका यूज करने लग गए दिस इज वॉट इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ऑल अबाउट जो मर्जी थ्योरी पढ़ लो जहां की मर्जी थ्योरी पढ़ लो जो सी मर्जी बुक पढ़ लो जो उन मर्जी आप आर्टिकल देख लो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है और कुछ भी नहीं है जहां हम चीज़ों को लिंक करते हैं इंटरनेट से डेटा का डंप लेते हैं उस डेटा से कुछ एनालाइज करते हैं उस एनालाइज करके हम कुछ कंक्लूड कर लेते हैं वही चीज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स है चाहे वो बच्चे आपके स्कूल का कैमरा हो चाहे वो आपके घर का एयर कंडीशनिंग हो चाहे वो आपकी हेलो एम कार हो जो आपके बोलने से खुल जाती है या चाहे वो आपके मेडिकल डिवाइसेस हो जो आपका ब्लड सर्कुलेशन से लेकर आपकी शुगर से लेकर आपकी हार्ट बीट से लेकर सब कुछ कैप्चर कर लेते हैं दिस इज वॉट इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ऑल अबाउट और क्योंकि एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है क्योंकि ये आज की डेट में एक न्यू टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है विच इज रियली चेंजिंग द इंडस्ट्री द वे द इंडस्ट्री यूज टू ऑपरेट इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट हो जाता है जो एज ए स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर भी आपके लिए बच्चे बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज़ एग्जामिनर को नई चीजें पूछना बहुत अच्छा लगता है हम तो फिन हैं सर कुछ भी नया पूछेगा हम तो बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलेंगे बिल्कुल खेलेंगे बट कैसे खेलेंगे अगर हम 60 मिनट 60 मिनट्स बिल्कुल कंसंट्रेशन से यहां सुनेंगे और कोई फेसबुक और यूट्यूब और ट्विटर पे ध्यान नहीं देंगे देखा मैंने फिर से जगा दिया आपको सोना बिल्कुल नहीं है चलो आगे चलते हैं अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे आर्टिकल आया और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे आर्टिकल जो आता है वो यही चीजें एक्सप्लेन करता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स किस किस इंडस्ट्री में लग रहा है इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है उसके क्या बेनिफिट्स हैं और क्या बच्चे डीमेरिट हैं कुछ तो प्रॉब्लम्स भी रही होंगी आते हैं उसके ऊपर भी तो अब देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स का टेक्निकल आर्टिकल कहता क्या है और फिर देखो ये एग्जाम्पल सुनने के बाद प्रैक्टिकल अप्रोच सुनने के बाद इस थ्योरी को पढ़ना कितना और कितना आसान हो जाता है देखें बिल्कुल सर चलो इंटरनेट थिंग्स है क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज ऑल अबाउट कनेक्शन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइस बीइंग आई टी आईओटी एनेबल्ड यूजिंग कनेक्टेड सेंसर्स प्रोसेसर्स ट्रांसमीटर्स हैज ग्रेटली इंक्रीज वास्तव में आती है बिल्कुल आती है जेनरिक नहीं है बच्चे बिल्कुल जेनरिक है सर ये सिर्फ डाटा कलेक्ट नहीं करता है डाटा को कम्युनिकेट भी करता है थ्रू द यूज ऑफ डिवाइसेस वो हमने समझ लिया और कम्युनिकेट करता है तो उसको एनालाइज भी करता है एनालाइज करता है तो उससे कंक्लूड भी करता है ये भी हमने समझ लिया एक और एग्जांपल भी था बच्चे मेरे पास मैं ड्राइव करके आता हूं बहुत दूर से आता हूं मैं जब ड्राइव करके आता हूं तो मेरी कार में ना एक रेड लाइट जलती रहती है जल रही है बहुत देर से और मुझे टेंशन हो रही है रेड लाइट क्यों जल रही है जब मैं आया मैंने देखा यू नो वॉट मेरी रेड लाइट जल रही है मैंने दो तीन लोगों से पूछा कि रेड लाइट क्या है किसी को नहीं पता था आई वेंट टू टोयोटा शोरूम मैंने उन्होंने बोला नो you वॉट know ये रेड लाइट देखो ये रेड लाइट क्या है उन्होंने कहा सर एक मिनट वो एक डिवाइस लेके आते हैं वो एक डिवाइस मेरी कार के अंदर लगाते हैं और वो डिवाइस विद इन फ्यू सेकेंड्स बता देता है यू नो वॉट सर आपका जो ऑयल डिस्पेंसर है ना वो लीक हो रहा है मैंने कहा ये आपको कैसे पता चला उस तरह सर हमारी पूरी कार में ना सेंसर्स हैं और वो सेंसर्स को जब हम इस मशीन के साथ लगाते हैं ना तो मशीन डिटेक्ट कर लेती है कि आपकी कार में क्या प्रॉब्लम है वो जो प्रॉब्लम है ना वो हमें पता चल जाती है तो हम डायरेक्टली उसी चीज को जाकर ठीक करते हैं ये क्या है ये भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स है टेक्निकल आर्टिकल में स्पेसिफिकली इस पे बात करी गई है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में या, या व्हीकल इंडस्ट्री में या फिर कह सकते हैं मेडिकल इंडस्ट्री में इस चीज का बहुत यूज बढ़ता जा रहा है बिकॉज पीपल आर रियली एबल टू गेट द बेनिफिट आउट कि वो टारगेटेड कंसर्न दिखा लेते हैं टारगेटेड आपको एरिया दिखा लेते हैं जहां आप जा सकते हो और उन्हें ठीक कर सकते हो बात समझ में आती है बच्चा बिल्कुल आती है स्मार्ट डिवाइसेस हमने देखे ही हैं स्मार्ट डिवाइसेस क्या होते हैं आपके घर पे भी हो सकते हैं आप जब ट्रैवल करते हैं तो जीपीएस भी एक एक आपका स्मार्ट डिवाइस है आप ऑफिस में होते हैं तो आप पूछे ही मत आप कितने सारे स्मार्ट डिवाइसेस से रोज रोज काम कर रहे होते हैं चाहे वो आपका एक्सेस कार्ड हो चाहे वो आप जब जाते हैं आप अपनी अटेंडेंस लगाते हैं चाहे आप जाते हैं जब अपना मेडिकल टेस्ट कराते हैं वहां आपके जो जो आप, ट्रांसमीटर्स होते हैं जो आपकी हार्ट बीट चेक करते हैं एंड वॉट नॉट ये सारी चीजें इंटरनेट ऑफ थिंग्स में कैप्चर हो जाती हैं बिकॉज आपको रेगुलर बेसिस पे मॉनिटरिंग भी मिल जाती है रेगुलर बेसिस पे कंट्रोल मिल जाते हैं बात समझ में आती है बिल्कुल आती है हमने कहा मेडिकल और ट्रांसपोर्ट ये दोनों इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली आर्टिकल ने बोला कि ये चीज इंपॉर्टेंट है हमें सर समझ में भी आता है हमें क्लियर भी है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स अब होता क्या है तो आगे चलते हैं ये कैसे हेल्प करेगा बहुत जेनरिक चीजें हैं बच्चे अगर आपको एग्जाम्पल ठीक से समझ में आ जाए ना और अगर आपको उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्लियर होने शुरू हो जाए कि यू नो वॉट की है क्या तो शायद मुझे ना थ्योरी पढ़ने की प्रॉब्लम ही खत्म हो जाती है अब देखो इसको पढ़ें हेल्पिंग विद पर्टिकुलर टास्क हमें तो पता ही है सर कि अगर ऐसी कोई चीज़ होगी तो हम टारगेटेड हो सकते हैं हमें हेल्प मिल सकती है हमें पूरी कार स्कैन नहीं करनी पड़ती हम फटाफट से टारगेट होकर उसको ठीक कर देते हैं तो टारगेटेड हो गए जनरेटिंग एफिशिएंसीज ये तो हमें समझ में आता ही है सर ऐसी कोई भी चीज होगी तो एफिशिएंसी जनरेट होगी भी आप सर टाइम कम लगाओगे आप रिसोर्सेज कम लगाओगे आपको ह्यूमन रिसोर्स नहीं चाहिए एंड व्हाट नॉट बिल्कुल ठीक है मॉनिटरिंग दी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स इसकी वजह से आप बहुत सारी पोटेंशियल प्रॉब्लम्स भी सर्च कर सकते हो इंटरनेट ऑफ थिंग्स सरकार भी यूज करती है गवर्नमेंट भी यूज करती है अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री में भी यूज करती है इन टर्म्स ऑफ असरटेनिंग किस बॉर्डर पे क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो इनफैक्ट जो डिफेंस के जो इक्विपमेंट्स uh, होते हैं उनके अंदर भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स यूज होता है ताकि वो टाइमली बेसिस पे शूट आउट कर सके अगर कोई चीज उन्हें शूट आउट करनी है डिपेंडिंग अपॉन जो इंफॉर्मेशन वो वो जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम वेरियस रिसोर्सेस तो वहां पे भी इसका रिसोर्स और यूज डे बाय डे बढ़ता जा रहा है बात समझ में आती है बिल्कुल आती है अंडरपिनिंग स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट अगर हमें करनी है और स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट के अंदर अगर हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स को तो लेकर आ रहे हैं तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं हमारी इंडस्ट्री एज एन मॉडर्न कॉर्पोरेट इंडस्ट्री या इंडस्ट्री एज सच भी धीरे धीरे चेंज हो रही आगे चलें बिल्कुल सर अब मैं आया बच्चे इसकी प्रॉब्लम्स पे देखो बच्चे अब हमने एग्जाम्पल समझा हमने हमने प्रैक्टिकल अप्रोच देखी हमें समझ में आ गया कि टेक्निकल आर्टिकल बोलना क्या चाह रहा है हमें समझ में आ गया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है बट आपको लगता है इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ना सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर इंटरनेट ही है कैसे देखो बच्चे जो भी चीज जो भी चीज वेब पे चली गई ना उसमें सबसे बड़ा कंसर्न क्या हो जाता है फटाफट से सबके हाथ खड़े हो जाते हैं सर सिक्योरिटी बिल्कुल जो भी चीज आपने क्लोज एनवायरमेंट से निकाल के इंटरनेट में डाल दी उसमें सबसे बड़ा कंसर्न हो जाएगा बच्चे सिक्योरिटी का और ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का सबसे बड़ा कंसर्न है कि ये सिक्योरिटी इशू क्रिएट कर देता है डेटा आपके हाथ से निकल जाता है वेब पे चला जाता है तो उसका कोई भी कैसा इस्तेमाल कर सकता है इस पर हमारा कंट्रोल नहीं रह जाता है बात समझ में आती है बच्चे सर एग्जाम्पल समझ में आ जाता है तो सर बात की तो प्रॉब्लम ही नहीं रहती सर फटाफट से क्लियर हो जाती है वही मैं करता हूं आगे चलते हैं प्राइवेसी की प्रॉब्लम रह जाती है इसमें बिकॉज प्राइवेट नहीं रह जाता डेटा आपका आप यू नो डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इश्यूज आ सकते हैं इसके अंदर प्लेटफॉर्म की फ्रेगमेंटेशन हो जाती है इसका मतलब क्या है टेक्निकल समझोगे ना तो प्लेटफॉर्म फ्रेगमेंटेशन बहुत मुश्किल टर्म लगती है बट देखो इसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो बहुत आसान हो जाएगी एसी की एक ऐप से एप्लीकेशन मुझे करवानी है एयर कंडीशनिंग को मुझे बंद करवाना है ऑन करवाना है एक एप्लीकेशन से क्या दो या तीन प्लेटफॉर्म यूज नहीं होंगे इसमें बिल्कुल यूज होंगे एयर कंडीशनिंग कैसे काम करेगी एयर कंडीशनर कैसे काम करेगा उसका सेंसर कैसे काम करेगा वो ऐप उसके सेंसर से अलाइन कैसे होगी आपका मोबाइल उस ऐप से कैसे अलाइन होगा वो ऐप आप आपके मोबाइल में कैसे आएगी वो एंड्रॉयड से कैसे काम करेगी या आई से कैसे काम करेगी ये सब डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है सब फ्रेगमेंटेड प्लेटफॉर्म है सबको इकट्ठे जोड़ना पड़ता है तभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स कामयाब हो सकती है नहीं तो नहीं हो सकती है मुश्किल लगा बिल्कुल नहीं लगा अब ये जो फ्रेगमेंटेशन है ना ये हर कंपनी कर नहीं पाती है बिकॉज हर कंपनी के पास इसकी स्पेशलाइजेशन नहीं होती है और स्पेशलाइजेशन लगाने के लिए उन्हें बहुत कॉस्ट इनकम करनी पड़ती है तो ये इसका अगला है कि मुझे कॉस्ट भी इंकर करनी पड़ती है और इंप्लीमेंटेशन होता है नहीं डिपेंडेंसी मेरी आउटसाइड किसी एक्सटर्नल एजेंसी पर है तो टाइम भी बच्चे ज्यादा लग जाता है में आती है बिल्कुल आती है फ्यूचर फ्यूचर बच्चे इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही है अब हमारे बच्चे घर से आईपैड में अमेजॉन के ऊपर ऑर्डर करने के लिए दो मिनट भी नहीं लगाते हैं क्यों नहीं लगाते हैं बिकॉज अब टाइम इसी चीज़ का है इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही फ्यूचर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही फ्यूचर में हमारे काम आएगा तो हमें इसको सीखना बहुत और बहुत ज़रूरी है बात समझ में आती है बिल्कुल आती है अब तो ये हुई बच्चे इंटरनेट ऑफ थिंग्स को समझने की बात टेक्निकल आर्टिकल को समझने की बात अब हम आते हैं सर स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर एग्जाम पे एप्लीकेशन बताओ कैसे होगी ये टेक्निकल आर्टिकल ने तो बता दिया सर कि यू नो व्हाट इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है पर थोड़ा सा ये तो बताओ कि एज वेल एग्जाम के परस्पेक्टिव से क्या होगा देखो बच्चे ऐसा होता है आपको मैंने टेक्नोलॉजी समझाई मान लेते हैं मैंने आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स समझाया मान लेते हैं नहीं समझा दिया इंटरनेट ऑफ थिंग्स आपको समझाया इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मैंने आपको बेनिफिट्स बताए इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मैंने आपको डीमेरिट्स uh, बताए एंड सो ऑन सो फोर्थ अब बच्चे ये जो आपको बेनिफिट्स और डीमेरिट्स पता लगे हैं अगर एग्जाम में आपको ऐसी कोई सिचुएशन दे दी जाए जहां आपको बोला जाए कि यू नो व्हाट इंटरनेट ऑफ थिंग्स को अप्लाई करना है तो आप एज ए स्ट्रैटेजिक बिजनेस लीडर सजेस्ट करो मैनेजमेंट को कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते अब आपको क्या चाहिए अगर आपको ये पता है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है अगर आपको पता है कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं अगर आपको पता है कि इसके डिमेरिट्स क्या हैं या इश्यूज़ क्या हैं इसको इम्प्लीमेंट करने में तो आपके लिए क्या उसको आंसर करना आसान नहीं हो जाता है सर बहुत आसान हो जाता है इसीलिए इन टेक्निकल आर्टिकल्स को अगर आपको पता हो तो आप एग्जाम में वो सिचुएशन हैंडल कर सकते हो मैं कुछ टिप्स देता हूं और मैं फटाफट से फिर आता हूं जो मार्च 2020 का क्वेश्चन था ताकि हम आपको ये भी बता सकें कि उस पर कैसे अप्लाई हुआ है सबसे बड़ी टिप है आपको सबसे पहले क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है दिस इज दी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो सिर्फ इसीलिए नहीं है वो वैसे भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एस बिल क्वेश्चन स्टैंड पॉइंट आपको स्पेंड करना है टाइम इन टर्म्स ऑफ एनालाइजिंग द सिचुएशन ऑन द फेस ऑफ इट वो जो भी बोल रहा है उसको नहीं लेना है थोड़ा सा आपको कमर्शियल या स्केप्टिसिज्म स्किल दिखानी है क्वेश्चनिंग माइंड सेट आपका होना चाहिए आप असेस कर लेना अगर आपके पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स का क्वेश्चन आए कि क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ पे सही मायने में मेक सेंस करता है या मुझे सिर्फ कहा जा रहा है ये इम्प्लीमेंट करना सर प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है सर कमर्शली वाइबल ही नहीं है ये बच्चे हमें प्रोफेशनल स्किल कमर्शियल इक्वमेंट यहाँ लगानी ही लगानी है ऐसा नहीं होता कि मुझे एमडी ने बोला या मुझे सीईओ ने बोला या चेयरमैन ने बोला या बोर्ड ने बोला तो मैं फटाफट से ये बोलूं कि नहीं नहीं हाँ इंटरनेट ऑफ थिंग्स तो यहाँ लगाना ही चाहिए नहीं मुझे अपना दिमाग भी लगाना है कि मुझे लगाना है या नहीं लगाना है या ये चीज़ मुझे इंप्लीमेंट करनी है या नहीं करनी है और करनी है तो क्यों करनी है और नहीं करनी तो क्यों नहीं करनी लॉजिकल रीज़न के साथ क्लोज करके आऊँगा यही चीज एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन भी है मेरे से अगर मुझे कॉन्सेप्ट पता होगा और अगर मैं क्वेश्चन को ढंग से एनालाइज कर लूंगा तो मैं इसका आंसर जरूर दे सकता हूं कि यह हमारे लिए वायबल है या नहीं बात समझ में आती है बच्चे बिल्कुल आती है मैं मार्च 2020 के क्वेश्चन पे चलता हूं थोड़ा सा परस्पेक्टिव देता हूं और आपको क्वेश्चन दिखाता हूं कि उसने क्वेश्चन कैसे पूछा और आप देखो आपके लिए उसको आंसर करना अब कितना आसान हो जाता है अगर आपके पास ये कॉन्सेप्ट है हमने इसी तरह से ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर आपके वीडियोस ऑलरेडी दे दिए हैं और बहुत सारे आपके पास कॉन्सेप्ट ऑलरेडी सेशंस के अंदर डिस्कस हो गए हैं इन टर्म्स ऑफ़ यू नो हाउ बीन आस्किंग दैट इन फैक्ट मैंने मार्च 2020 ट्वेंटी क्वेश्चन जो मैं आपको भी दिखाने वाला हूँ विच इज प्रायर एग्जाम क्वेश्चन ट्वेंटी मेरे पास क्वेश्चन था बच्चे टेक फॉर यू का टेक देयर फॉर यू का क्वेश्चन था ये एक एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की कंपनी थी इस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म की कंपनी को बहुत सारा काम जो मिल रहा था वो प्रॉबली मोस्टली ऑन दी सिक्योरिटी फ्रंट में मिल रहा था और टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी फ्रंट पे मिलता था बट इस इस कंपनी के अंदर बहुत जद्दोजहद चल रही थी दे वर लाइक फाइटिंग एंड डिस्कसिंग अमंग्स ईच अदर कि इन्हें कौन सी टेक्नोलॉजी पर काम करना चाहिए गोइंग फॉरवर्ड और उसमें एक ऑप्शन इनके पास थी कि यू नो वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी वो स्पेसिफिकली पुशिंग फॉर कि नहीं आपको सर इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करना चाहिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स फ्यूचर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे काम करो और फटाफट से क्लोज कर लो ग्रोथ मिलेगी और बहुत सारी मिलेगी उन्होंने इस तरह की बातें सारी कही हुई थी क्वेश्चन के अंदर उसके ऊपर एक क्वेश्चन आया मुझे मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको एंड यू नो मे बी विल विल टॉक इन डिटेल्स ऑन दैट मैं क्वेश्चन यहां रीड करूंगा ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन पार्ट बी मैं इससे पहले रीट करता हूं इन द रीसेंट डायरेक्टर मीटिंग मैं हाईलाइट कर रहा हूं इन द रीसेंट डायरेक्टर मीटिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डायरेक्टर प्रपोज दैट टी टी फोर यू शुड डेवलप न्यू सर्विसेज इन रिलेशन टू इंटरनेट ऑफ थिंग्स द सर्विस डायरेक्टर प्रपोज दैट टी टी फॉर यू शुड फोकस ऑन विनिंग मोर गवर्नमेंट सेक्टर वर्क द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वॉन्ट्स योर रिपोर्ट योर रिपोर्ट मीनस आपको रिपोर्ट देनी है टू इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ दीज टू स्ट्रेटेजिक टॉपिक्स रिक्वायर्ड क्या है यू हैव टू प्रिपेयर अ सेक्शन ऑफ योर रिपोर्ट दैट इवेल्यूएट टू स्ट्रेटेजी ऑप्शन प्रपोज बाई डायरेक्टर एक केस दिया बच्चे खूब सारी इंफॉर्मेशन दी उस पर और इसके बहुत सारे एग्जिबिट्स भी हैं मैं आपको आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आई हैव पिक्ड अप फॉर सॉल्यूशन इन माय क्वेश्चन मैराथन क्वेश्चन मैराथन में पूरा क्वेश्चन सॉल्व है पूरी एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन एक एक प्रोफेशनल स्किल एक एक फॉर्मैट पे डिस्कशन हुआ है इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हाट यू रियली नीड टू डू इन दिस ये पूरा सोल्यूशन आपको वहां पे मिलेगा हाउएवर मैं अभी की बात करूं अगर फ्रॉम दिस क्वेश्चन स्टैंड पॉइंट मुझे सेक्शन देना है एक रिपोर्ट का मुझे रिपोर्ट नहीं देनी बच्चे मुझे सेक्शन ऑफ रिपोर्ट देना है सेक्शन ऑफ रिपोर्ट ऑन वॉट दैट इवेल्यूएट टू स्ट्रेटेजी ऑप्शन एक स्ट्रेटेजी ऑप्शन थी मैं इंटरनेट ऑफ तो थिंग्स लगाऊं दूसरी स्ट्रेटेजी ऑप्शन थी कि मेरे को गवर्नमेंट वर्क में काम करना चाहिए अब जब मेरे को रिपोर्ट देनी है और मुझे ये बोलना है कि मेरे को इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ लगाना चाहिए या नहीं चाहिए इसके लिए गोल्डन रूल क्या है सबसे पहले मैं केस को समझू जो मैंने केस को समझा कि मुझे लगाना चाहिए या नहीं चाहिए मैं केस को समझ के एनालाइज कर लूँ बिल्कुल ठीक बात है अब मैं खुद इवेल्यूएट करूँ कि क्या इंटरनेट ऑफ थिंग्स यहाँ पर मेरे लिए मेक सेंस करेगी या नहीं करेगी ये सब करने के बाद मुझे जो भी ऑप्शन चूज करनी है मुझे उसके प्लस एंड माइनसेज दोनों देने हैं अगर मुझे इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पता है तो मैं यह समझ पाऊंगा कि यहां पे इंटरनेट ऑफ थिंग्स मेक सेंस करता भी है या नहीं पहली बात तो वो फिर मान लेते हैं वो मेक सेंस करता भी है तो भी जब मैं अपनी रिपोर्ट दे रहा हूं तो मुझे इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्यों इंप्लीमेंट करना चाहिए यह भी समझाना है और उसके डिमेरिट्स भी बता के आना है कि ये चीजों का मैनेजमेंट को ध्यान रखना जरूरी है फॉर द परपज ऑफ इवेल्युएटिंग की दो स्ट्रेटेजिक ऑप्शन में से बेस्ट स्ट्रेटेजिक ऑप्शन कौन सी है अगर आपने टेक्निकल आर्टिकल ढंग से पढ़ा हुआ है अगर आपको ये चीज समझ में आती है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता क्या है उसके प्लस एंड माइनसेस क्या हैं तो इस क्वेश्चन को आंसर करना इज जस्ट ए केक वॉक बट अगर आप नहीं जानते हैं वो तो स्ट्रगल तो बेटा 110 परसेंट होना ही है इफ यू पिक अप द लास्ट एग्जामिनर रिपोर्ट विच इज मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जामिनर रिपोर्ट जो मैं स्पेसिफिकली एक सेशन में डिस्कस कर चुका हूं इफ यू रिमेंबर देर वॉज अ वेबिनार वेर एन वी टॉप डॉन दी मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी एग्जामिनर रिपोर्ट वहां हमने स्पेसिफिकली डिस्कस किया कि ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी बच्चों के लिए एग्जाम में बिकॉज एग्जामिनर ने इन्होंने बोला कि बच्चों को इंटरनेट ऑफ थिंग्स का टेक्निकल आर्टिकल नहीं पता था जिसकी वजह से उन्होंने कॉन्सेपचुअली आंसर गलत किया हम तो फेंट्रामर हैं सर हमने तो इस टेक्निकल आर्टिकल को ही कवर कर लिया तो हम इस क्वेश्चन में मात अब खाएंगे ही नहीं खानी है भी नहीं हमने इसीलिए इन सारे टेक्निकल आर्टिकल को कवर कर लिया है और कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेट किया है ताकि आपके लिए ये प्रॉब्लम आए ही नहीं जैसा कि मैंने कहा मैंने इस क्वेश्चन का डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन मैर्थन में डिस्कस किया है इन टर्म्स ऑफ यू नो हाउ डू वी आंसर दिस किस चीज़ों का ध्यान रखना है किन किन चीजों को इंक्लूड करना है किन चीजों को एग्जामिनर नहीं पसंद करता है एंड वॉट नॉट बट इंपॉर्टेंट कि अगर मुझे टेक्निकल आर्टिकल आता है तो मेरे लिए समस्या बिल्कुल और बिल्कुल खत्म हो जाती है बात समझ में आती है बिल्कुल आती है That was it. I wanted to cover from this uh, this session standpoint. Thank you very much. You feel free to contact uh, the Fintram team. They'll, they they are there to help you of anything that you would want. Whether it is a session, whether it is a question marathon, anything that you need, they're more than happy. Stay tuned. There are more videos to come, and you know it will keep coming. Thank you very much, guys.